जब हम बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की स्पेशली वो जो 90s एंड 2000s में अपने पीक पे थे आज उनकी स्किन पे बेसिक फाइन लाइन एंड रिंकल्स तो हैं ही जो एज के साथ सबको आती हैं बट इन जनरल देयर स्किन लुक्स फ्लॉलेस फ्लॉलेस सिर्फ स्क्रीन पे फोटोग्राफ्स पे नहीं बट जो उनकी पेपराजी इमेजेस होती हैं उसमें भी दे लुक तो मैं जानना चाहती थी कि क्या है वो ट्रीटमेंट्स जो बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस कराते हैं। बिकॉज़ जब हम सर्च करते हैं इन जनरल सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम दो चीज़ें देखते हैं। बट अंडरस्टैंड हर महीने नहीं कराते प्लास्टिक बायोलाइट क्लिनिक डुबाई ये क्लिनिक मैं इसलिए गई क्योंकि इन्होंने एक्चुअली पोस्ट किए थे कुछ वीडियोस विद सम सेलिब्रिटीज लाइक लीजा रे जिन्होंने टेस्टिमोनियल दिया था कि कैसे वो यहाँ आती हैं अपने सर्विसेज के लिए आई सॉ समथिंग विद मलाइका अरोरा खान वेल सो मुझे लगा जब इतने सेलिब्रिटीज वहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी एक कॉन्सल्टे ले ही लेनी चाहिए एंड वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे एस्थेटिक नर्सेज थे उनसे बहुत सारी बात करी कंसल्टेशन के बहुत सारे पैसे खर्च किए और उसके बाद मैं बना रही हूँ ये वीडियो जहाँ मैं आपको बताऊंगी अबाउट द टॉप फाइव ट्रीटमेंट्स जो अस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जो आम तौर पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लेते हैं जो आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं प्राइसिंग से लेके प्रोसीजर तक

as many people as i see so be aware of scamsters now let's get into the video so the first treatment which is very common which has actually been around for at least 20 years is microneedling माइक्रो नीडलिंग इज अ ट्रीटमेंट जिसके आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे पर आज मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि माइक्रो नीडलिंग में होता क्या है एक तो माइक्रो नीडलिंग होती है जो डर्मा रोलर से आप घर पे कर सकते हो जो थोड़ी बहुत इफेक्टिव है इतनी सुपर इफेक्टिव नहीं होती है उसको सही तरीके से करना होता है अदरवाइज यू कैन रियली रियली डैमेज योर स्किन बट जो प्रोफेशनल माइक्रो नीडलिंग होती है उसकी जो नीडल्स होते हैं दे गो डीपर और एक मशीन के साथ की जाती है अब इस इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक नंबिंग क्रीम लगाई जाती है नंबिंग क्रीम जिससे आपका चेहरा गर्दन जहाँ पर भी आप ये करा रहे हैं सुन पड़ जाता है इट नम्स दैट एरिया वो लगाया जाता है कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए थिक लेयर लगाई जाती है ताकि आपको ज्यादा दर्द नहीं हो दर्द फिर भी होता है खैर ये आपको क्रीम लगाई जाती है उसके बाद उस क्रीम को क्लीन किया जाता है आपके फेस को वापस क्लीन किया जाता है और फिर माइक्रोनीडलिंग प्रोसेस शुरू होता है अब ये सिर्फ सुई ही ऐसे नहीं घुसा देते आपके चेहरे पर जब वो माइक्रोनीडलिंग कर रहे होते हैं यूजअली कोई एक टाइप का सेरम यूज किया जाता है जो बहुत कॉमन सेरम यूज़ किया जाता है माइक्रो नीडलिंग में इस कॉल ई जिसका फुल फॉर्म है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स जो एक टाइप का पेप्टाइड है जिसे हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं ग्रोथ फैक्टर पेप्टाइड्स का काम ये होता है कि आपके वो स्किन रिजुविनेशन में मदद करते हैं माइक्रो नीडलिंग का लॉजिक क्या है माइक्रो नीडलिंग के दो लॉजिक हैं। नंबर वन हम आपकी स्किन को थोड़ा सा दुख पहुंचा रहे हैं नीडलिंग एंड फ्रिकिंग इन जिससे आपका स्किन रिपेयर मोड में जाता है स्किन का नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ गोइंग इनटू अ रिपेयर मोड इसकी वो ज्यादा कॉलोजन प्रोड्यूस करता है माइक्रो नीडलिंग कुछ केसेस के लिए अमेजिंग है और एक पर्टिकुलर केस है जिसमें मैं माइक्रो नीडलिंग को हाईली रेकमेंड करती हूँ एंड वो है पिटेड स्कार्स गड्ढे आंखने के बाद आपको चेहरे पे गड्ढे रह गए चिकन पॉक्स या इस तरह का कोई आपको प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से आपके चेहरे पर गड्ढे हैं बेसिकली ऊपर नीचे है आपका स्किन ये आपके स्किन के एक्ने मार्क्स नहीं है एक्ने स्कार्स नहीं है ये आपके पिटेड स्कार्स हैं और इसलिए

जो मैंने नहीं लिया बट उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था हर महीने एक सेशन उन्होंने कहा था ये सबसे सुपर फास्ट तरीका है अपने स्किन के कॉलोजन को बूस्ट करने का सो प्रोसेस ये होता है क्लीन किया माइक्रो नीडल किया अलोंग विद सम काइंड ऑफ अ सेम उसके बाद आपकी स्किन पे एक सूदिंग शीट मास्क लगाया जाता है और आपको एलईडी रेड लाइट थेरेपी दी जाती है एलईडी रेड लाइट थेरेपी से भी आपका स्किन काम होता है एंड इट्स नॉट द मास्क जो मैं घर पे यूज करती हूँ इट्स लाइक अ बिग मशीन ये किया जाता है अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका डाउन टाइम है कि नहीं बिल्कुल डाउन टाइम है इसका डाउन टाइम ऑलमोस्ट डिपेंडिंग के ऑन आपके स्किन पे किस लेंथ की नीडल यूज करी गई थी या आपका स्किन जनरली कितना सेंसिटिव है इसका डाउन टाइम हो सकता है तीन दिन से लेके एक हफ्ते या दस दिन तक जहां आपका चेहरा रेड रहे काफी टाइम तक और धीरे 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 ये आपका रेडनेस uh, सब्साइड हो जाती है इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किन केयर का सन प्रोटेक्शन का ऑब्सेसिवली ख्याल रखें नंबर वन आप कोई एक्टिव्स नहीं लगाएंगे आप लगाएंगे सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर बीच पे करेंगे डबल क्लेंस दैट इज ऑल यू विल डू बिकॉज इस दौरान अगर आप बाहर चले गए आपको बहुत सन एक्सपोजर हो गया हो सकता है आपको मिलाजमा पिगमेंटेशन सनबर्न इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सो दिस इज अ ट्रीटमेंट जो एक्ने स्कार्स और पिटेड स्कार्स के लिए तो अच्छी है लेकिन एक सेशन में कुछ नहीं होगा डिपेंडिंग कि आपके स्कारिंग कितनी डीप है हो सकता है आपको इसके चार से पांच सेशन लगें, और आपको ये पूरा प्रोसेस करने में छह से आठ महीने लगे एंटी एजिंग के लिए ऑफकोर्स जैसे कि एक साथ ही आप तीन सेशन करा लें तीन महीने में बट जितना मैंने रिसर्च किया है और जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं आई ट्रूली फील कि इतना डाउन टाइम होता है तो एटलीस्ट दो महीने का तो ब्रेक लेना चाहिए बट दिस इज माय परस्पेक्टिव माइक्रो नीडलिंग फॉर एंटी एजिंग इज अ फैबुलस ट्रीटमेंट लेकिन मुझे ऑनेस्टली जो नर्स थी उसने बताया था शी सर लिसन हम नमिंग क्रीम लगाएंगे हम सब कुछ करेंगे बट आपको फिर भी प्रोसेस में दर्द होगी एंड शी एक्चुअली आई सेट ओके ऑन अ स्केल ऑफ टेन यू नो एक से दस पे और दस पे बहुत दर्द है और एक पे बिल्कुल दर्द नहीं है वॉट इज इट गोइंग टू बी लाइक मुझे कितनी दर्द होगी she actually said it could be a six and seven, six and seven, very high. But this is the first treatment. Anti-aging के लिए celebrities बहुत commonly कराते हैं. This is actually considered a non-invasive treatment, even though इसमें needles हैं. This is not really something that is being injected deep into your skin. जो दूसरी है इसी का कजन है विच इज कॉल्ड माइक्रोनिंग विद पीआरपी अब पीआरपी में आपके ब्लड से एक्सट्रैक्ट होते हैं प्लाज्मा सेल्स दैट येलो लिटिल लिक्विड एंड बेसिकली उसे सैरम की जगह ईजीएफ की जगह उसे आपके स्किन में इंजेक्ट किया जाता है एंड दिस इज सपोज टू बी द नेक्स्ट लेवल वेट बिकॉज पी जिसको हम काफी टाइम पे ड्रैगन फेशियल ब्लड फेशियल ये सारे नाम भी दिए हैं किम कर दार्शन मेड इट सुपर सुपर फेमस इससे ऑब्वियसली आपके स्किन की फेशियल फेशियलेशन रिजन

उस तरह की स्किन के लिए भी पी आर पी वेन यू डॉकिंग पी आर पी इज काम्बिनेशन टू बी रियली रियली गुड अगेन पेनफुल है एक्सपेंसिव है अब मैं आपको इन दोनों ट्रीटमेंट्स की प्राइसिंग बताती हूँ नाम इन दिरहम्स आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज आपके लोकल करेंसी में एंड अंडरस्टैंड क्लिनिक टू क्लिनिक ये वेरी करेगा सो प्योर माइक्रोनिटलिन विथ जस्ट लाइक अ ग्रोथ फैक्टर सेरम कैन कॉस्ट यू एनी थिंग फ्रॉम ट्वेल्व हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड द्रह्स यानि इसकी प्राइस होगी कुछ अट्ठाइस से

काला सा पेस्ट लगाते हैं और फिर एक लेजर मशीन से टक 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 दे एक्चुअली रिमूव इट एंड इट लुक्स वेरी सेटिस्फाइंग टू वॉच दोस वीडियोस ऑन टिकटॉक एंड दैट इज अ प्रोसेस अब ये अमेजिंग ट्रीटमेंट है अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है एक्सेसिवली ऑयली मतलब अभी आपने स्किन केयर किया और 10 मिनट में योर प्रोड्यूसिंग ऑयल लाइक अ ऑयल बैरल इस तरह की आपकी स्किन है हो सकता है आपको इससे बहुत फायदा हो एंड ये ट्रीटमेंट आप वंस एवरी मंथ करा सकते हैं बिकॉज नंबर वन इसका डाउन टाइम बहुत कम है नंबर टू इससे बहुत कम सेंसिटिविटी होती है पर्सनल स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि किसकी स्किन कितनी सेंसिटिव है कितनी गही बट इन जनरल बहुत कम डाउन टाइम होता है माइल्ड पीलिंग होती है सो ऑफकोर्स आफ्टर टू डेज इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है ये जेनवनली एक ट्रीटमेंट है जो मैं कराना चाहती हूँ

एंड आल टेल यू गाइज माई स्किन फेल्सर नाइस आफ्टर दैट एंड आई ऑलवेज सैड मैंने उसको वीडियो में भी कहा था आपको अगर मेरे को फिर से कोई स्पेशल इवेंट uh, होगा और समथिंग लाइक दैट आई वॉन्ट टू डू इट बट ऐसा कुछ स्पेशल भी देख हुआ ही नहीं मैंने नहीं कराया बट इट इज़ अ रियली रियली नाइस ट्रीटमेंट इस तरह के जो लेजर्स होते हैं माइल्ड होते हैं आप ज़्यादा फ्रीकवेंटली करा सकते हैं आप इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं सो दीज आर अटल मोर अफोर्डेबल सो फॉर एग्जाम्पल इन मेडकेयर इसकी प्राइस रेंज डिपेंडिंग आप कितने एरियाज का कर रहे हैं फेस कर रहे हैं आई कर रहे हैं नेक कर रहे हैं 1000 थाउजेंड टू टू थाउजेंड मतलब ज्यादा एरियाज़ कवर करेंगे सो मैक्स 2000, फेस ही करेंगे तो लाइक like 1000 और 1200, तो ये है इसकी प्राइस रेंज यानी कि ये हो जाता है बीस हजार से लेके चालीस हजार तक का एंड वाइल्ड इट इज रेकमेंडेड लाइक द डॉक्टर सेट दी इसको तो हर महीने करा लो कुछ नहीं होता आई डोंट थिंक यू नीड टू डू एवरी थिंग एवरी मंथ एंड इट्स अ लॉर्ड ऑफ मनी बट दिस डज मेक योर स्किन शाइन एंड मेरी वो वीडियो है उसमें तो ज्यादा व्यूज भी नहीं है बट अगर आप पूरा एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं मेरा फोटोना फोडी लेजर विच वॉज अ टाइप ऑफ अ लेजर ट्रीटमेंट यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो आई विल ट्राई एंड लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालती नहीं डिस्क्रिप्शन में बट आई ट्राई एंड लिंक इट खैर सो दैट्स अदर थिंग नेक्स्ट थिंग which इज सुपर सुपर ट्रेंडिंग जो आप सबने देखा होगा एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में इसके बारे में पूछा है एक आपके जॉ लाइन को टाइटन किया जाता है फिलहाल जो यूट्यूब सॉरी uh, जो इंस्टाग्राम पे एड चल रहे हैं दुबई में हाइफू के लेके और एक्चुअली ऑल कॉल्ड रिमूव योर डबल चिन जाएगा बेसिकली एक स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट अब इसमें क्या होता है दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेरी हॉट लेजर भी आपको लगाई जाती है पर इसका जो इम्पैक्ट है इज नॉट एन इंस्टेंटिव इम्पैक्ट एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई एंड डॉक्टर्स हेल्प मी दे से आपके कॉलोजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है लेकिन ये जो प्रोडक्शन साइकिल है अट्ठाइस दिन का साइकिल है फॉर द स्किन सो इफ यू डू हाइव टूडे राइट आपने ये ट्रीटमेंट आज कराई इसका ट्रू इम्पैक्ट आपको दिखेगा इन अबाउट ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव डेज डिपेंडिंग आपकी एज क्या है और साथ ही साथ ये ट्रीटमेंट आपको हर महीने कराने की जरूरत नहीं है ये ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं अगर यूर अबाव द एज ऑफ फिफ्टी यू कैन डू इट मे बी टवाइस अ इयर इफ यूर यंगर यू डू इट वन अयर एंड द डॉक्टर अभी यूर नॉट द राइट कैंडिडेट वाई डू यू वॉन्ट टू गिव यूर सेल्फ सो मच टोर्चर

थोड़ी रेडनेस आती है, obviously है, नमिंग क्रीम लगी इतना ंग लेज़र हुआ है बट इसका डाउन टाइम इतना नहीं है मतलब आप ये करा के ऐसे बाहर जा सकते हो अगले दिन यू कैन जस्ट कोर्क वट एवर दे डू रेकमेंड ऑल डॉक्टर्स रेकमेंड कि आप कोई भी ट्रीटमेंट कराओ आप बेचारा सा एक हाइड्रा फेशियल क्यों नहीं कराओ

इसकी कौन सी आपके काम, कौन सी आपके काम नहीं करेगी नाउ अगर बॉस इसके ऊपर आप हाईफू कराओ माइक्रोनिंग कराओ जो मर्जी करा लो ये जो फोल्ड है जिसे हम जाओल्स कहते हैं लटक गया है ये नहीं जाएगा इसके लिए अगर आप वापस वो लिफ्ट एंड टाइटनेस देखना चाहते हो द ट्रीटमेंट इज फेशियल प्लास्टिक सर्जरी नॉट फेशलरी फेस लिफ्ट जिसे कहा जाता है इज़ अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जहां आपके लिटरली स्किन को कट वट करके स्टिच किया जाता है टू गिव यू दैट थिंग इसका डाउन टाइम हीलिंग प्रोसेस कैन गो इन टू मंथ्स एंड दिस इज एक्सपेंसिव एंड ऑनस्टली डिपेंडिंग ऑन द सर्जन एंड द हॉस्पिटल इट कुड रियली वेरी सो मैं कोई प्राइस नहीं दूंगी बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर स्किन लाइक दिस इट इज दिस बट इफ यू आर माई एज एंड अगर आप कुछ कंसिडर कर रहे हैं यू जस्ट वॉन्ट टू डेबल इन सम काइंड ऑफ अस्थेटिक ट्रीटमेंट्स मेरा रिकमेंडेशन रहेगा हाइड्राफेशल्स विद कार्बन लेजर पील का कॉम्बिनेशन या सिर्फ हाइड्राफेशियल अलग से डोंट हैव टू डू इट एवरी थिंग एवरी मंथ बट दैर इज समिंग यू कैन ऑप्टेन फ्राम फ्राम गुड क्लिनिक अ गुड अस्थेटिक नर्स प्लीज ग्रूप ऑन पे डील्स देख के मत जाना डू योर रिसर्च नंबर थ्री इफ यू आर स्लटली मोर मेच्योर फोर्टीज फिफ्टीज एक्सेट्रा आपको लग रहा है कि स्किन बहुत लूज हो रही है पोर्स बहुत दिख रहे हैं यू नीड रिजिवनेशन माइक्रोनी गुड ऑप्शन बट अगेन आपके पेन के थ्रेश होल्ड पर बहुत डिपेंड करता है एंड डज इट फिट इंट योर लाइफ स्टाइल क्या आप uh, पाँच दिन आठ दिन दे सकते हैं